जी भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज आप ये देख पा रहे हो रेनॉल्ट की काइगर। काइगर का भाई ये है RX-Z वेरिएंट। और भाई ऐसा कुछ पीछे का लुक आ जाता है, आगे का दिखा दिया। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भाई पीछे से। तो इसमें अपना ऐसा कुछ LED का सेटअप मिल जाता है, ब्लैक साइड में मिल जाती है अपना, और सारी जो है LED मिलती है सिवाय अपना इंडिकेटर के और रिवर्स लैंप के। अपना सारा कुछ LED का सेटअप मिल जाता है। ये अपना पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। बात करें कैमरा की तो वहाँ भाई यहाँ पर छुपा हुआ है रेनॉल्ट के लोगों में इधर। और भाई बात करें अगर इसके पीछे वाइपर भी आ जाता है, ऐसा कुछ वाइपर आता है, ठीक है, क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। और ये भाई इधर इसके वॉशर वगैरह है, इधर इधर अपना डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना स्पॉइलर आ जाता है, और स्टॉप लैंप आ जाता है पीछे। ऐसी कुछ बूट आती है भाई, सारी बूट की भाई बात करें तो ऐसी कुछ आती है अंदर। पार्शियल ट्रे आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी, ये आपका इसमें थ्रेड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और भाई अंदर की बात करें तो ऐसा कुछ आता है सेटअप अंदर, लैंप वगैरह इसमें नहीं प्रोवाइड करती कंपनी। और भाई बात करें अगर इसके स्पेयर व्हील वगैरह की, रेड कलर का C8 का इसमें आता है। इसका साइज़ जो है भाई वो एक इंच छोटा आता है अपना नॉर्मल उससे, 16 इंच के आते हैं। 15 इंच का आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाता है। पीछे क्लैडिंग्स वगैरह जो है बढ़िया आ जाती हैं बिल्कुल, इतना कुछ ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देखने को मिल जाता है। ये आता है अपना स्विच मिल जाएगा इधर देखने को, ये आप इसको प्रेस करके अपना अनलॉक कर सकते हो। और बात करें अगर इसकी टायर्स वगैरह की, तो इसमें टायर्स जो हैं आपको 195/60R16 16 इंच के एलॉयज मिल जाते हैं। और जो है स्पेयर व्हील आपको दिखाती है, एक इंच छोटा 15 इंच मिलता है स्टील रिम जो कि रेड कलर में आता है। ऐसा कुछ आ जाता है ORVM अपने, जिसमें अपना इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, RX-Z की इधर बैजिंग मिल जाती है भाई। ये अपना इधर डिस्क ब्रेक्स आ गई, और पीछे को भाई अपना नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। और भाई साइड क्लैडिंग्स वगैरह सारी ऐसे देखने को मिल जाती हैं। ये जो है इधर ये पार्शियल मैट मिलता है आपको, स्टिकर सा है थोड़ा ऐसे दिया गया है। और भाई पैनल गैप्स वगैरह आप देखो, पैनल गैप्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाते हैं भाई यहाँ पे। इधर आपको कम है, इधर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा फिट एंड फिनिश का थोड़ा इशू है। इधर भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा शीशा जो है अलग से लगाया गया है, लेकिन वो भाई ऐसे ही है, थोड़ा फिट एंड फिनिश का थोड़ा क्वालिटी इशू है, कोई नहीं, लेकिन भाई काम चल जाता है। साइड में भाई अपने ऐसे कुछ है। और ये जो आपको वाइज़र देखने को मिल रहे हैं, ये आपको वाइज़र कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ भाई डेमो में खड़ी है इसलिए आपको ये देखने को मिलेंगे। और भाई अगर हेडलाइट्स वगैरह की बात कर लें, इधर अपना DRL वगैरह आती हैं, यही अपना इंडिकेटर की तरह ही काम करती हैं। और अगर भाई बात करें इसके हेडलैम्प्स की, हेडलैम्प्स आ जाती है भाई प्योर विजन LED कहती है कंपनी इसको, इस पर मेंशन भी करती है। सारा अपना LED का सेटअप है भाई, हाई और लो बीम दोनों अपना LED का सेटअप मिल जाएगा। ऐसी कुछ ग्रिल वगैरह आती है, आपको एक ही शिफ्ट वॉशर का देखने को मिलता है इधर, वाइपर ऐसे कुछ नॉर्मल देखने को मिलेंगे। और भाई रिक्वेस्ट सेंसर इधर नहीं आता मेरे ख्याल से, इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, और कोई वेरियंट होगा जिसके अंदर प्रोवाइड करती होगी। भाई अंदर से ऐसा कुछ सेटअप आ जाता है इसका, ऐसे कुछ अपने डोर ट्रिम मिल जाते हैं, ये अपना पियानो ब्लैक फिनिश में आ जाता है हैंडल वगैरह, और ये अपना नॉर्मल प्लास्टिक में सब कुछ इधर प्लास्टिक में देखने को मिलेगा। एक ये स्ट्रिप आती है इधर पियानो ब्लैक फिनिश में, सारी अपनी पावर विंडोज आती हैं, ऑटो अप डाउन मिल जाती है सिर्फ ड्राइवर साइड की, और बाकी ORVM जो है एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल हैं अपने सारे। लॉक भाई ऐसे देखने को मिलते हैं, थोड़ा पोजिशनिंग जो है पुराने स्टाइल की, लेकिन कंपनी ने कुछ नया प्रोवाइड कराया है, ऐसा लुक दिया है इसको, इतना ही कुछ नया देखने को मिलता भाई इसमें। और बात करें तो अंदर का लुक ऐसा कुछ अपना आ जाता है। स्विच वगैरह भाई इसमें नहीं है, बाहर रिक्वेस्ट सेंसर क्यों नहीं है पता नहीं। अंदर ये तो अपना देखने को मिल जाता है आपको, बटन वगैरह सारा अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन बाहर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं। वायरलेस चार्जर भी अपना देखने को मिल जाता है भाई इसमें, अपना ये भी देखने को मिल जाता है क्योंकि ऑटोमेटिक है भाई, तो ये देखने को मिलेगा ही। आर्मरेस्ट वगैरह अपना ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है, ये बीच में एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, स्लाइडेबल है, इसके अंदर कप होल्डर्स वगैरह हैं। और इसको ओपन करें भाई, आर्मरेस्ट ऐसे कुछ ओपन हो जाता है, इतनी कुछ स्पेस आ जाती है। ये स्लाइडेबल नहीं है भाई, ऐसे ही है इसकी लेंथ, लेकिन अच्छी खासी है, आपके बिल्कुल हाथ तक आएगा। ऐसी कुछ भाई पार्किंग ब्रेक मिल जाती है अपना, हैंड ब्रेक, और ये इस पर लेदर रैप कर रखा है, तो ये भी ठीक है भाई, अच्छी चीज़ दे रखी है। और सीट की भाई कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट भी भाई अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और भाई अगर यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स भाई ऐसा देखने को कुछ मिलता है अपना, कूलिंग फंक्शन इसमें नहीं देखने को मिलता आपको, ये एक डाउनग्रेड है, कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए था। और भाई यहाँ पे अपना ये आप देखो, ये सारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। स्विच की भाई क्वालिटी ऐसी है थोड़ी, मतलब ना ठीक ठाक, वो इतना प्रीमियमनेस नहीं फील होती। अपना स्क्रीन यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे हो, अलग से स्क्रीन दिख रही है, तो वो एक मतलब जो फिनिश है ना वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं करी। लेकिन ये देखो ये सारा हिल रहा है, ये आप देख पा रहे हो, ये भाई ऐसे ही है थोड़ा, मतलब ठीक है। अब कंपनी जिस प्राइस पॉइंट पे ला रही है कार को,
ठीक है, और कंपनियां तो और महंगी महंगी लाती हैं। ये सारा बाकी पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है आपको, इधर ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स और इको। ये अपना आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो वायरलेस चार्जर को, अगर आपका अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है। ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील आपको दिखा दिया भाई। तो बात करें इसकी एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट आती है सिर्फ और ये नीचे को गिर जाता भाई, ये अपना उठ के नहीं रहता, गिरना नहीं चाहिए भाई ये। और इसमें सारा लेदर रैप वगैरह आता है, इधर को अपना नॉर्मल देखने को मिलेगा, इधर सारी नॉर्मल फिनिश है और ऊपर को सिर्फ आपको लेदर रैप देखने को मिलेगा। तो भाई ये कैसा कॉस्ट कटिंग है भाई, देते तो पूरा देते लेकिन भाई ऐसा कुछ ही मिलता है। और इधर पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, इधर भी स्टीयरिंग पे तो पियानो ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। अगर बात करें वाइजर वगैरह की, तो ये ऐसा कुछ आता है, इधर कॉर्नर में अपना टिकट होल्डर मिल जाएगा, सेंटर में भाई ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, ये इधर माइक मिल जाएगा देखने को, ये लाइट मिल जाएगी, लाइट अभी ऑन नहीं हुई, बैटरी ऑन करेंगे तब लाइट ऑन हो जाएगी भाई। हेलोजन लैम्प देखने को मिलता है जो कि ज़्यादा रोशनी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही है भाई, थोड़ा मतलब चलाऊ दिया गया है बस चल जाए। और बाकी भाई ये ऐसा कुछ आता है, इधर ये अपना मिरर मिल जाता है इस वाले में। बात करें अगर सीट एडजस्टमेंट की, तो हाइट एडजस्टमेंट इसमें देखने को मिल जाती है, अपना बैक भी मिल जाती है और आगे पीछे तो आप हर सीट को कर ही सकते हो। और भाई ऊपर अपना फैब्रिक देखने को मिल जाएगा जो कि गंदा जल्दी हो जाएगा, पीछे अपनी ऐसी लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, सेम ही है सेटअप, आगे पीछे आपको सेम सेटअप देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ भाई चीप, ओ भाई ये तो बहुत चीप क्वालिटी देखने को मिलती है, ये आप देखो ये ऐसे हिल रहा है अजीब तरीके से, आपको एक बार स्टेबल करके दिखाऊं, ये ऐसा कुछ है भाई, ये बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी का, ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हाथ में ही आ जाएगा सीधा उखड़ के भाई, ऐसा ही कुछ है। और ये माइक वगैरह ये सर देखने को मिलता है, तो ये क्या चीज़ है पता नहीं, ये शायद कुछ इमरजेंसी का स्विच वगैरह होगा। और भाई ये अपना क्लीन एयर लिखा हुआ है एसी पे क्लीन करके, वो भाई हर कंपनी क्लीन ही प्रोवाइड करती है, हर उसमें फिल्टर लगा होता है। और भाई ऐसे कुछ वेंट्स वगैरह आ जाते हैं, जो मोड मिल जाते हैं वो अपना ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स। और भाई ये जो फिनिश दी गई है इधर, ये काफ़ी एक अच्छी फिनिश लग रही है, आप इधर देखो ये रेड सी और ब्राउन के बीच में कहीं फिनिश आती है ये। इधर टॉगल्स वगैरह देख लें, तो इसमें जो लाइट है वो कुछ ऐसी आ जाती है, ऑटोमेटिक अपना सेटअप नहीं देखने को मिलता। वाइपर का भाई ऐसा कुछ है, वो भी ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलता, स्विचेस वगैरह सारे इधर आ जाते हैं। और भाई ये जो चाइनीज सा लगता है थोड़ा, इसमें नॉब वगैरह दे देते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के लिए और ट्रैक चेंज करने के लिए, तो अच्छा सा लगता। ऐसे कुछ यहाँ पे अपने ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। पीछे के चल के भी एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे कुछ सेटअप आ जाता है। और भाई डोर की क्वालिटी भाई ठीक ठाक ही है, मतलब ना इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करी गई यहाँ पे। ये देखो एक कॉस्ट कटिंग, ये थोड़ा यहाँ पे सिंगल प्रोवाइड कर देते, आपको एक खांचा प्रोवाइड करने की जरूरत थी इधर, आपका ये दे तो रखा है अपना बंद करने के लिए, तो भाई आपको ये क्या प्रोवाइड करने की जरूरत थी। और यहाँ पे ये एडजस्टेबल नहीं मिलता बेल्ट का जो भी है सेटअप। और भाई अपने हैंडल वगैरह ऐसे नॉर्मल देखने को मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं है। पीछे चल के एक बार और बात कर लेते हैं कि कैसा कुछ आता है सारा। तो भाई पीछे की सीट पे आ चुका हूँ, मेरी हाइट के हिसाब से आगे की एडजस्टेड थी थोड़ी सी, इनफैक्ट ज़्यादा ही मैंने छोड़ रखी थी, लेकिन उसके बाद भी आप स्पेस देखो, मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, तो भाई ऐसा कुछ स्पेस आपको पीछे मिल जाती। तो स्पेस के मामले में तो भाई बहुत अच्छा काम किया गया कंपनी के द्वारा। पीछे अपना एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। नीचे अपना 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है भाई, ट्विटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाएगा भाई, 4 और 4 8। इधर अपना ये देखने को मिल जाएगा आर्मरेस्ट, बढ़िया चीज़ है भाई। इसकी क्वालिटी मेरे को थोड़ी ठीक लगी, लेकिन बंद होने में और ऐसे होने में अटकता है थोड़ा, ये ना अजीब सा। तो अगर ये भी थोड़ा फ्लिमजी सा ही है, मतलब इतना ड्यूरेबल नहीं लगा, बस छूने में ही ठीक है भाई। और बाकी सीट का कम्फर्ट जो है अच्छा है, कुछ नहीं है, थोड़ा मेरे हिसाब से तो जो थाई सपोर्ट है वो अच्छा देखने को मिल जाता है मेरी हाइट के हिसाब से, लेकिन कोई और मेरे से बड़ा होगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और बाकी 60-40 स्प्लिट अपना देखने को मिल जाता है, ये आप देखो इधर मिल जाता है सारा। पार्शियल ट्रे इधर से ऊपर हुई भी दिखती है, और भाई पीछे से ऐसा कुछ अपना लुक आ जाता है गाड़ी का। और बाकी ये तो आपको दिखाई दिए, ग्रैब हैंडल्स वगैरह सारे फोल्डेबल नहीं देखने को मिलते, और ये लाइट आगे को देखने को मिलती है, थोड़ा पीछे दे देते यहाँ पे इस तरफ तो थोड़ा ठीक रहता। और बाकी भाई ऑलमोस्ट फ्लैट ही मिलती है जो नीचे है, अपना आपको दिखाता हूँ एक बार लाइट वाइट खोल के। ऐसा कुछ भाई नॉर्मल फ्लैट है, ज़्यादा है नहीं, जो बम्प है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई, अच्छी यहाँ पे इंजीनियरिंग करी गई है। बेल्ट अपना देखने को मिल जाती है, आइसोफिक्स वगैरह सारे देखने को मिल जाते हैं। अब आगे भाई इंजन बे की बात कर लेते हैं कि कैसा कुछ आपको इंजन वगैरह देखने को मिलता है। और भाई एक चीज़ और कि यहाँ पे फ्यूल लिड जो है इसका वो यहाँ देखने को मिलता, ये भी आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ कि भाई कैसा कुछ देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ ही सारा अपना आप देखोगे अगर, ये सारा भाई एक्सपोज है भाई, ये अच्छे को दे देते क्वालिटी, ये देखो आप सारा ये एक्सपोज हो रखा है इधर, तो ये थोड़ा अच्छा देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन भाई ठीक है यार, अब कंपनी भी एक तो सर्वाइव कर रही है इंडिया जैसी मार्केट में, भाई बहुत है। एबलेट ओपन करके दिखा दिया आपको कैसा है इसका, यहाँ देखने को मिलता है भाई, नॉर्मली आपको दूसरी साइड पर देखने को मिलेंगे, इसका यहाँ पर देखने को मिलेगा अपना पेट्रोल का फ्यूल लेट। भाई बोनेट देखते हैं आपके सामने ही उठा के देखते हैं कि कैसा कुछ है। बिल्ड क्वालिटी भी भाई ठीक है, क्योंकि मैग्नाइट 4-स्टार रेटेड है। ऐसा कुछ भाई अपना सारा देखने को मिल जाता है। और इसको अगर ओपन करना हो अंदर को भाई,
स्विच देखने को मिलेगा। बोनेट का वेट भी भाई अच्छा खासा है। वॉशर फ्लूड भाई ओपन में दे रखा है बिल्कुल, इसकी पाइप वगैरह सारा, तो ये अच्छा कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी। ऐसा कुछ 1 लीटर का इंजन आ जाता है इसमें। टर्बो है या क्या है मैं अभी जस्ट आपको कंफर्म करके बताता हूँ। ऐसा कुछ है भाई, सारा बोनेट भी हैवी है अपना देखने को मिलता है, मारुति से तो अच्छा ही देखने को मिल जाता है। और बाकी भाई ऊपर रूफ रेल्स वगैरह फंक्शनल है, ड्यूरेबल दी गई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, कोई फ्लिमसी सी नहीं है। लुक आप एक बार देख लो साइड से, ऐसा कुछ है भाई। लुक तो भाई गाड़ी का बहुत प्यारा देखने को मिलता है, प्रीमियम भी लगती है, अंदर से भी ठीक है। कहीं कहीं कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग करी गई है जो कि कंपनी को करनी नहीं चाहिए पर वो करती हैं। ऐसा कुछ अपना भाई पीछे डेजर्ट टाइप का दे रखा है, आप ये देखो कि भाई ये SUV है, ऑफ रोडर हो सकती है। एक बार इसका यहाँ डिटेल्स वगैरह देखते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ तो नहीं है भाई कुछ ऐसा अपना इंजन की स्पेसिफिकेशन, और आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि कैसे कुछ देखने को मिलती है। तो भाई कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई अपना सारा यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। अपना ये आप देख लो, ऐसा कुछ अपना एक शोरूम प्राइस देखने को मिलता है, उसके बाद अपना ऐसी कुछ आपको पड़ जाएगी, सारी कुछ इसमें डिटेल्स हैं। भाई ये नोएडा में उस समय में सेक्टर 62-63 में पड़ता है रेनॉल्ट का शोरूम। और भाई यहाँ पे अपना आप देख लो, ये नॉर्मल 1 लीटर इंजन है, और 1 लीटर में भाई ये CVT आपको नहीं मिलता। CVT आपको सिर्फ टर्बो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ये अपना AMT है क्योंकि ये अपना पीछे को लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है, आगे नहीं मिलती। ये लेदर फिनिश है भाई, इधर आप देखो ये अपना लेदर फिनिश है सारा, इसको प्रेस वगैरह मैं कर सकता हूँ, लेदर फिनिश है। चारों पावर विंडो अपना देखने को मिल जाएगी, एयर बैग वगैरह 4 एयर बैग अपना देखने को मिल जाएंगे, 4 या 6 मिलते हैं मेरे ख्याल से, 4 है भाई इसमें, 4 एयर बैग देखने को मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भाई कर ही देना, ज़रूर से लाइक भी कर देना, और भाई बताना मेरे को कमेंट्स में वो स्विच काय का है आगे, समझ आ रहा हूँ क्योंकि 2 स्विच हैं, मैंने आपको 2 स्विच दिखाए थे, ये एक ये स्विच भाई आप देखो, ये वाला स्विच, और एक भाई ये वाला स्विच। आप मेरे को बताना कमेंट्स में अगर आपको समझ आया कि भाई काय के स्विच हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो भाई आइडिया नहीं लग रहा काय का, मैं पूछ नहीं रहा अभी। ठीक है भाई, थैंक यू, इतनी कुछ थी वीडियो, ठीक है भाई।